नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हम लोग हर चीज़ को अलग अलग करके और स्मॉल पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 12 वीडियो लेक्चर राजस्थान की कला और संस्कृति के पूरे कर लिए हैं। हम वीडियो नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। स्तंभ और मीनारे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। जब पहले मेरा पेन ले लेता हूँ एक बार। चलिए, प्रमुख स्तंभ व मीनारे। विजय स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इसके शिल्पी कौन है? जेता नाथा व पुंजा इसके शिल्पी हैं। और 9 मंजिला है तथा 122 फीट यहाँ पर ये क्या है, ऊंचा है। एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, वो क्या है, 7 मंजिला है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये अलग है, वो अलग है। इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं, विश्वकोश भी कहते हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय इसे कहते हैं। और गौरी शंकर ओझा क्या कहते हैं, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें चित्रण, सुंदर चित्रण किया गया होगा। शिल्पी कौन थे? जेता थे, उनके पुत्र नाथा, पोमा, भूमि, चूथी, बलराज आदि के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ईसर लाट सवाई ईश्वरी सिंह ने, ध्यान है आप लोगों को, कहाँ बनाई थी, जयपुर में बनाई थी, जिसे सरगासूली भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे सरगासूली भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था जैन कीर्ति स्तंभ भी है वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। प्रथम जैन तीर्थांकर आदिनाथ जी को ये समर्पित है और 75 फुट ऊँचे 7 मंजिला है, जिसका निर्माण जीजाक द्वारा कराया गया था, ठीक है। 75 फीट ऊंचे और 7 मंजिला ये, वो 122 फीट ऊंचा था और 9 मंजिला था। कौन सा ये जस्ट पहले वाला, कौन सा हमारे ऊंचा था, ये आपके आ गया है विजय स्तंभ, समझ गए। और ये है आपके जैन कीर्ति स्तंभ, दोनों में अंतर है, ठीक है। धर्म स्तूप सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है, सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है धर्म स्तूप, जिसे लाल घंटाघर भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, चूरू में स्थित है। धौलपुर का शाही घंटाघर, चोपड़ा महादेव का दक्षिण भारत की शैली पर बना ये है, ठीक है। राजा निहाल सिंह ने निहाल टावर बनवाया था। 7 धातुओं से निर्मित यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घंटा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गई भाई लाइन। धौलपुर की घड़ी संसार की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी है। तो धौलपुर का जो शाही घंटाघर है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे बीकानेर में भी एक घंटाघर पाया जाता है। कोटा का वैली टावर घंटाघर, प्रथम एवं आधुनिक इमारत बताया गया है इसको। आधुनिक, पहली आधुनिक इमारत कौन सी है, तो कोटा का वैली टावर पहली आधुनिक इमारत है, ठीक है। विजय स्तंभ तन्नोट में, विजय स्तंभ आपको पता है जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद का निर्माण है। तन्नोट में जो माता है वहाँ पर ये सब वाले पूजा करते हैं, ये सब तो आपको आता ही होगा। तन्नोट देवी के सामने भारत पाक को जो युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ हमने जीतने के उपलक्ष्य में बनाया था। वीरों के स्मारक स्तंभ बचूडला में स्थित है। अन्य देख लो, गमता गाजी कहाँ पर है, जोधपुर में। गुलर कालू कादान जोधपुर में। और नहर खां की मीनार कोटा में स्थित है। नाम आपको आने चाहिए, ये इतनी सी जानकारी थी यार, वीडियो बहुत छोटा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चीज़ों को छोटी 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 करके अगर हम पढ़ेंगे तो हम जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।